हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और हम उम्र के लोगों को नमस्कार। आज एक बच्चे की कहानी हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी भी चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी जीवन में आग लगा सकती है, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। ऐसी ही कुछ कहानी एक हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, और ये कहानी नहीं, ये सच है जो आज हम बोलने जा रहे हैं। एक लड़का था, छोटा सा, स्कूल पढ़ने जाता था। एक दो साल स्कूल में उसने पढ़ाई की तो प्रिंसिपल ने उस लड़के को बुलाया और उस लड़के से कहा कि कल से आप स्कूल आना बंद कर दीजिए, और एक चिट्ठी दिया, कहा कि ये चिट्ठी आप अपनी माँ को दे देना और कल से तुम्हें स्कूल नहीं आना है। वो बच्चा घर आया और अपनी माँ को वो चिट्ठी दिया। माँ ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा तो बच्चे ने पूछा, माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो माँ ने बताया बच्चे को, कहा कि इस चिट्ठी में प्रिंसिपल साहब ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए इस बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाईली टैलेंटेड है, आप कहीं और पढ़वा लीजिए। मुस्करा के बच्चे से माँ ने कहा। तो बच्चे ने लगातार, माँ घर ही पे बच्चे को पढ़ाती रही, और जब बच्चा आगे बड़ा हुआ, वही बच्चा जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, वही बच्चा आगे चल करके हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद बल्ब को डिस्कवर्ड किया था, और उस बच्चे का नाम था एडिसन। तो बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? एडिसन ने किया था। फिर उसके काफ़ी दिनों के बाद उस बच्चे को बाय चांस वो लेटर जो प्रिंसिपल ने दिया था, कहा था आप अपनी माँ को दे देना, वो लेटर उस बच्चे को मिल गया, मतलब एडिसन को मिल गया। एडिसन ने उस लेटर को पढ़ा और जानते हो क्या पाया? उस लेटर में लिखा था कि आपका लड़का महानालायक है, इसको कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, ये किसी लायक नहीं। तो देखिए, एक माँ की प्रेरणा ने एडिसन को कहाँ तक पहुँचा दिया था। माँ के एक थोड़े से झूठ से उस बच्चे के अंदर एक साहस जाग गया, कुछ करने की आदत आ गई, और बल्ब को डिस्कवर्ड कर दिया एडिसन ने। जिस लेबोरेटरी के अंदर एडिसन काम करते थे, एक दिन क्या हुआ, उस लैब के अंदर आग लग गई और सारी सामान जल रही थी। तो वहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने कहा एडिसन को इसकी सूचना दी जाए। तो एडिसन के पास इन्फॉर्मेशन भेजी गई, एडिसन लैब के पास आए और खड़े होकर के मुस्कराने लगे। तो एडिसन ने कहा अपनी पत्नी से, कहा कि माँ और उनकी सहेलियों को बुला लाइए। तो उनकी माँ आई, सहेलियाँ भी आईं। तो एडिसन ने जानते हो क्या कहा था? कहा था कि 99
मतलब 999 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे। तब एडिसन ने ये कहा था कि देखिए आज असफलता पूरी जल गई है और कल से हम नई सफलता की तरफ नए कदम बढ़ाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के इस कहानी से हमको बहुत बड़ा संदेश मिलता है, कभी भी संकट आ जाए तो उसमें भी आप सफलता के बारे में सोचें, घबराएं बिल्कुल मत, क्योंकि घबराना किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। घबराने से सारे काम बिगड़ते हैं। अगर जो उसी समय एडिसन की माँ कह देती कि प्रिंसिपल साहब ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा नालायक है तो बच्चा टूट जाता, तो शायद एडिसन बल्ब को डिस्कवर नहीं कर पाते। लेकिन माँ ने कहा, सर ने कहा है कि आपका लड़का इतना टैलेंटेड है कि स्कूल उस बच्चे के पढ़ने लायक नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया शब्दों में और एडिसन महान बन गए। और एक बात तुम्हें याद रखना है, हौसलों से उड़ान भरती है, कभी भी हौसले परस्त नहीं होने चाहिए। अगर हौसले तुम्हारे परस्त हो गए तो उड़ान के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त के साथ वक्त का सूरज डूबता है, वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता है। हमेशा याद रखना, वक्त के साथ अपने को बदलना जान जाओ, सीख जाओ, सफलताओं की ढेर लग जाएगी और खुशियों का एक ढेर लग जाएगा। इतनी सफलताएं मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन वक्त के साथ अपने को बदलना जान जाओ कि कैसे बदले हम। दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, क्षेत्र कोई भी हो, तो निश्चित रूप से एक दौर तुम्हारा आएगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। और उस दौर में आप हाहाकार मचा देंगे दुनिया के अंदर। बस शर्त है कि आप अपने सोचने का तरीका बदलें, फिर देखिए सफलताओं की झड़ी लग जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मंजिल उन्हें मिलती है जो कभी बैठते नहीं हैं। बैठने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि जो लगातार अपने वर्क के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने मिशन के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, वो दुनिया में परचम फहराते हैं, दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे आज हम एडिसन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर एडिसन ने बल्ब को डिस्कवर न किया होता तो क्या आज हमको ये प्राकृतिक रोशनी मिलती? क्या हम पंखे के नीचे बैठ पाते? क्या हम एसी चला पाते? क्या ट्यूबलाइट हमारी जलती? ये कुछ नहीं हो पाता। जिसको किसी ने नकारा था उसी ने ये कमाल कर दिया। तो हमेशा याद रखना, इतिहास कमज़ोर बच्चे ही रचते हैं जिनमें कुछ करने का साहस होता है। तो हम चाहेंगे आप भी अपनी मंजिल, अपने मिशन, अपने टारगेट, अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलोगे और लगातार आगे बढ़ते रहोगे। और हम आपकी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके।